पहले बहुत ही रिलेशनशिप के इश्यूज थे अपने हस्बैंड के साथ, तो वो ठीक तो हो गए थे पर कहीं कुछ ना कुछ गैप बाकी था, और वो भी वो एकदम कम्प्लीटली 100% बोलते ना वैसे करना था। मेरा नाम गरिमा अजवानी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने पहले बहुत ही रिलेशनशिप के इश्यूज थे अपने हस्बैंड के साथ, तो वो ठीक तो हो गए थे पर कहीं कुछ ना कुछ गैप बाकी था, और वो भी वो एकदम कम्प्लीटली 100% बोलते ना वैसे करना था। तो मैं एक बार यूट्यूब में देख रही थी कि कुछ टिप्स मिल जाएँ, कुछ NLP जैसे होते हैं या खुद को कैसे सुधारना है, मेरे में क्या और इम्प्रूवमेंट लाना है, तो ऐसे ढूँढ रही थी। तो मैंने YouTube में PMC का शीला मेहता का एक्सपीरियंस देखा कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ चेंज की और अपनी हेल्थ इशू ठीक किए, अपने रिलेशनशिप भी उनसे ठीक हुए, और सिर्फ ध्यान से। तो बोले थे ये ध्यान है क्या, कौन सी मेडिसिन है, कौन सी क्या है और ये कैसे करते हैं। तो उसमें वहाँ पे लिंक था PMC से जुड़ने का, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने मैंने कहा मुझे भी ये ध्यान सीखना है कैसे करना है करके, बोला बहुत ही सिंपल है, आप ये जुड़ जाओ। तो एक बुद्ध बनो का आया, फिर उसके बाद मैंने बुद्ध बनो किया, और कितना सिंपल और सरल है कि खुद को सिर्फ आंखें बंद करके और हाथ फोल्ड करके और लेग्स फोल्ड करके क्रॉस करके बैठना है और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। इतना सरल, और हम लोग इतना, मैं इधर उधर भटक रही थी, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे मैं करती गई तो मेरे में खुद में तो चेंजेस आ रहे थे। मैंने देखा मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे रिलेशनशिप में भी बहुत चेंजेस थे। इवन मैं कहूँ मदन लॉ के साथ, मेरे सर्वेंट के साथ भी इतना चेंजेस थे। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने सीखा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इस वजह से मैंने खुद को भी चेंज किया, और मैंने भी मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, मेरे सर्वेंट के साथ, कि जैसे अभी जहाँ बोलते गार्लिक नहीं खाना है, तो मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी गार्लिक नहीं खाना है, तो मेरा सर्वेंट खुद ही मेरे लिए पहले से ही भाजी निकाल लेता है, फिर बाद में वो अपने लिए फैमिली के लिए वाली बना लेता है। तो इतनी केयरिंग करना वो सीख गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा रहता था तो वो मेरे साथ ऐसे करेगा। और धीरे धीरे उसके साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, कि देन एक सोल जैसे सोल प्लान रहती है कि पहले आपस में क्रॉस रहता है, बाद में वो कैसे बनना रहता है। तो मैंने ये ध्यान से ही सीखा। और फिर एक लेडीज़ की पिन बनी होती है, तो मुझे कहाँ ध्यान देना था PMC में, तो ख़त्म तो हो गई मैंने देखे। फिर मैंने बोला अभी आगे वापस देना है तो कैसे करूँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला मैं देता हूँ ना, तो मैं इतनी हो गई कि अरे वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे वो हेल्प कर रहे हैं करके। फिर वो एक बार दिया, फिर दूसरी बार जगह देना था, तो अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मैं देता हूँ ना दूंगा करके। तो मैं बोला मेरी पिन बनी तो ऐसे ही जमा होती जा रही है जहाँ पे मैं ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से मैं मतलब वो जब जो टेंशन ही नहीं है, अपने आप वो मेरी पिन बनी जमा होती जा रही है और मैं देती जा रही हूँ, और इतनी सेटिस्फैक्शन है ना कि जैसे कि मैं एक सही जगह पर दे रही हूँ। पहले सोचना पता था अरे ये जगह है नहीं है, कहीं दूँ तो उसका क्या यूज़ होगा, पर ये एकदम सही जगह मैंने देखा है कि कैसे ये PMC हेल्प करती है लोगों को और ध्यान सिखाती है। और पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं NLP, जहाँ मैं सोच रही थी कि 1,00,000 खर्च करके मुझे वो कोर्स सीखना है, ये तो विदाउट कुछ दिए हुए मैं NLP भी कर रही हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर रही हूँ, पर्सनली डेवलपमेंट हो रहा है, इतना हो रहा है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो जो इतनी चेंज हो गई हो, आप में बहुत स्वभाव में चेंज हो गया है, आपके हेल्थ भी इतनी अच्छी है, मैं 6 महीने से खुद दवाई नहीं ले रही हूँ। जहाँ मुझे नेल फंगस होता था, मैंने काफ़ी 30-40 हज़ार खर्चा किया था, और यहाँ पे 6 महीने में विदाउट दवाई दिए मेरे नेल फंगस एकदम ठीक हो गया है, हेडेक जो होता था हमेशा वो ठीक हो गया है, और स्टेमिना इतनी बढ़ गई है जो मैं पहले एकदम लगता था एकदम टायर्डनेस है वो बढ़ गई है करके। इस तरह से और मैं कहूँगी कि हम लोग बहुत सही चीज़ें मेडिटेशन करते हैं, चांट करते हैं, मंदिर में जाते हैं, विटामिन्स लेते रहते हैं छोटे छोटे छोटे, पर ये तो एक बूस्टर डोज है मल्टी विटामिन का, जो एक डालते हैं और एकदम एनर्जी आ जाती है और एकदम ठीक हो जाता है।
ध्यान से मैं वो बोलूँ कि एक मतलब सिंपल मैं एक्सप्लेन जो करूँ कि छोटे छोटे जो हम लोग करते थे, पहले मेडिटेशन करते थे, चांद करते थे, तो इतना जल्दी फ़र्क नहीं, एक्शन हम लोग बोलते थे ठीक है मैं एक्शन लूँगी, मैं खुद को चेंज करूँगी, होता ही नहीं था। पर ध्यान में आने से एक बूस्टर डोज लगता है ना कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप गरिमा ये गलत कर रही हो, एकदम खुद को रियलाइज़ होता है। जैसे सोल आपकी बोलती है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये बराबर नहीं हो रहा है, आपको ही चेंज करना। और जब मैं खुद चेंज करने जाती हूँ ना तो वो जल्दी चेंज हो जाता है। तो एक फास्ट एक्शन लेना अपने ऊपर शुरू कर दिया है जैसे मैंने, तो ये बहुत फ़र्क है। जो इसलिए मैं बोली कि ये बूस्टर डोज है मल्टीविटामिन का, आप लो और आप देखोगे कि चेंजेस होती जाती है। मैं भी सीख भी रही हूँ और जो भी मिलता है मैं उनको बोलती रहती हूँ कि ध्यान कीजिए, जस्ट बहुत सिंपल है। कहीं भी योगा में जाऊँगी या फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनको यही बोलती रहती हूँ कि ये लीजिए, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बैठिए। इस तरह से प्रचार करती हूँ। और कहीं पर भी जैसे ऋषिकेश हुआ, अभी ये करताल में आए हैं, तो इस तरह से प्रचार और सीख रही हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है करके। इसके लिए ना कि आप जितना देते हो आपको उतना मिलता भी है जैसे, और एक सेटिस्फेक्शन जो खुद की ना हैप्पीनेस मिलती है आपको, सही जगह पे देते हो ना ऑटोमेटिक मिलती है। आप अगर कहीं और जगह पे देते हो ना तो आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं आती है, पर इनके यहाँ पे देने से आपको इतनी हैप्पीनेस और वो आप खुद फील कर सकते हो, ये मैंने देखा है करके। आप देते हो और आपकी वो एनर्जी और हैप्पीनेस बहुत ही अलग ही रहती है। तो मैंने डोनेट किया तो मैंने देखा और मेरी एनर्जी बढ़ रही है और मेरी हैप्पीनेस, और मेरे हस्बैंड भी खुशी से दे देते हैं कि हाँ आपका ख़त्म हो गया, आप ये मेरे से ले लो और जितना चाहिए आपको, इस तरह से। तो मुझे वो भी एक रिलेशनशिप में एक ये बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कोई हस्बैंड खुशी से देता है तो मुझे कुछ छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अभी ठीक है चलो 100 रुपया बचा लिया यहाँ से, नहीं एकदम खुला से मांगती हूँ मैं और वो भी खुशी से दे देते हैं। तो ये मुझे एक कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ में ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होता है वो जो रहता है एक ट्रस्ट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगता है मीन्स कि एक रिलेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है जो पहले बिल्कुल भी नहीं था, एक ट्रस्ट नहीं था, एक जो मैं एक करेज नहीं होता था मुझे, अभी मैं खुला भी बोल देती हूँ कि मुझे इतना इतना चाहिए करके। तो मैं अगर 10 बोलूँगी तो मुझे 20 भी देते 20 दे देते हैं, डबल मिल जाता है, ऐसे बोनस मिल जाता है जैसे मुझे।